तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी ब्रेन संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियों पर अपना असर दिखाया और कोमा तक में जा चुके मरीजों को पुनः सामान्य जीवन में लौटाकर असंभव से संभव कर दिखाया। तो आप भी अपनी या अपनों के किसी ब्रेन संबंधी या न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और हताशा, निराशा या ना उम्मीदी के अंधेरों से निकलकर जीवन को नई रोशनी से जगमगाएं। नमस्कार, मेरा नाम नरेश सिंह बैस है। मैं 15 बटालियन महेशगढ़ लाइन में रहता हूँ। मकान नंबर 301, ब्लॉक नंबर 33। मेरे नसों में कमजोरी थी, पैरालिसिस क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम था। मैं इलाज कराया, चलने में हमको तकलीफ हो रही, चल नहीं पाता था। हाथ पैर झुनझुनाते थे बिल्कुल, कभी कभी बिल्कुल हाथ पैर सुन हो जाते थे। हमको ये हो गया 15-20 साल। तो मैंने इलाज पहले कराया दूसरी जगह और फायदा नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को बताया, उन्हें इलाज किया तो उससे हमको फायदा है। आप चल फिर लेता हूँ थोड़ा, हाथ पैर में झुनझुनाहट नहीं होती, कम चल पाता था। तो अभी तो 1-1.5 साल से बिल्कुल बहुत कम चल फिर पाते थे, हाथे पैर काम करते थे। चोपड़ा साहब की इलाज से बहुत फायदा है। मैं यही पहले नसों कमजोरी के डॉक्टर बताते थे, गोलियां देते थे, जब खा लेता था गोलियां असर रहता था 2-3 घंटे, उसके बाद फिर वैसे वैसे दिन में 4-5 बार गोलियां खाता था। जब तक 1-2 घंटे असर रहता था, जब तक हाथ सही ठीक रहता था, फिर गोली खाओ फिर ठीक हुए 3-4 घंटे। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाया, नरेश मालपानी थे यहाँ साइंटिस्ट में, उनको बताया था बॉम्बे हॉस्पिटल में तापड़िया साहब को, उनका भी इलाज ठीक था। वहाँ से फिर दो बार बताए चोपड़ा साहब अच्छा इलाज करते, यहाँ कराया इनसे तो फायदा काफ़ी है। अधिकतर अब तो बिल्कुल चल फिर लेता हूँ। 2019 में दिखाया था 7-8 महीने से उन्हीं का इलाज चल रहा था। ये हमको आया था 20-25 दिन के बाद। मॉडर्न होम्योपैथी जब से दवाइयाँ लिया, जब से हमने 20-25 दिन के बाद से हमको असर मालूम पड़ने लगा, फायदा होने लगा। अब तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, चल नहीं पा रहे थे। उनके इलाज से थोड़ा चल फिर लेता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ, सुबह घूमने जाता हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया था तापड़िया साहब को, न्यूरो सर्जन है वो, हाँ उनकी भी चली थी। कम से कम 2 साल, 2-3 घंटे आराम, उसके बाद फिर वैसे वैसे दवा जब तक असर रहता था तब तक वैसे रहता था। टाइम हो गया कम से कम 1 साल हो गया पूरा आराम, काम भी चल फिर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ, खाना पीना सब खाता हूँ आराम से। खर्चा उसमें ज़्यादा था पहले, उसमें तो 1200 रुपया केवल फीस लेते थे देखने की, 1 महीने की, 2 महीने बाद फिर बढ़ाते थे, 2 महीने बजाओ बाद फिर 1200 रुपया फिर दो, फिर देखने केवल फीस। दवा तो बाहर से आना पड़ता था मेडिकल से। मॉडर्न होम्योपैथी में इसमें कम पैसे कम लगते हैं। उनको सर बहुत 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 धन्यवाद, वो अच्छे काम डॉक्टर हैं, व्यवहार बहुत कुशल है, हमको ठीक करेगा, उसके लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी ब्रेन संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियों पर अपना असर दिखाया और कोमा तक में जा चुके मरीजों को पुनः सामान्य जीवन में लौटाकर असंभव से संभव कर दिखाया। तो आप भी अपनी या अपनों के किसी ब्रेन संबंधी या न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और हताशा, निराशा या ना उम्मीदी के अंधेरों से निकलकर जीवन को नई रोशनी से जगमगाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।